गाइस, जहां एक तरफ लंबे वीकेंड के बाद मार्केट खुलने से मार्केट में बहुत ज़्यादा गैप डाउन देखने को मिल रहा है, वहीं इस वीकेंड में टाटा स्टील ने खूब सुर्खियां बटोरी है। इस सुर्खियां बटोरने के पीछे की असली वजह क्या है, इस वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन यह भी जान लीजिए कि जब लंबे वीकेंड के बाद शेयर बाजार खुला है तो आज निफ्टी के मैक्सिमम स्टॉक्स रेट निशान पर बंद हुए हैं। इसके बावजूद टाटा स्टील ने 1.84% की तेजी बनाई है। इस तेजी के पीछे की असली वजह क्या है, वो कौन सा अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि टाटा स्टील जो कंपनी है, स्टील के मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स का काम करती है, अर्थात स्टील बनाती है और उसको बेचती है। हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टील बनाने वाली कंपनी एशिया की सबसे पुरानी कंपनी है। जी, लगभग 1907 में इसकी स्थापना हुई थी और उसके बाद से लेकर अब तक यह अपना काम जोरदार तरीके से करते हुए चली आ रही है। इस कंपनी का अगर वैल्यूएशन देखेंगे तो इसका मार्केट कैप है 1,61,230 करोड़ रुपये। जी, टाटा ग्रुप के मैक्सिमम स्टॉक्स, मैक्सिमम के लगभग सभी स्टॉक्स लार्ज कैप कंपनी ही होते हैं। और शेयर प्राइस की बात करें तो आज के दिन का शेयर प्राइस है 1,340 रुपये। आज के दिन का शेयर प्राइस है, देखेंगे 1.84% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इस तेजी के पीछे की असली वजह क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन एक छोटी सी आपको जानकारी दे दूं कि अभी जो इस स्टॉक का प्राइस आप देख रहे हैं 1,340 रुपया, अप्रैल चल रहा है अभी, अप्रैल 2022, वही जब 2 साल पहले आप चल जाएंगे यानी कि अप्रैल 2020 में, उस समय इस स्टॉक का प्राइस 250 रुपये के आसपास हुआ करता था। सोचिए, सिर्फ 2 साल में 250 से 1,340 रुपये तक का क्या शानदार सफर किया। हालांकि बीच में देखेंगे 1,534 रुपए का हाई भी बनाया है। असली तेजी तो इसमें मई 2020 के बाद आना शुरू हुआ था, यानी कि कोरोना काल में भी इसने अपने शेयर होल्डर्स को कमा कर दिया है। हालांकि बहुत से लोग कहेंगे कि अब तो शेयर का प्राइस काफी ऊपर चला गया, लेकिन अभी भी उतना महंगा नहीं है। आने वाले 2 साल बाद हो सकता है कि इससे भी बहुत ऊपर इस स्टॉक का प्राइस चला जाए। अब आते हैं हम लोग उस मेन अपडेट के ऊपर जिसके लिए यह वीडियो है। समझिए, 3 मई को इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने जा रही है, 3 मई 2022 को। और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने के पीछे 3 वजह हैं। सबसे पहला जो वजह है, इस दिन कंपनी अपने Q4 के रिजल्ट जारी करेगी, कितना सेल्स हुआ, कितना रेवेन्यू प्राप्त हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, इसमें पता चलेगा। दूसरा अपडेट ये रहेगा कि 2022-23 जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें कंपनी कितना डिविडेंड देगी, इसके बारे में भी बताएगी। डिविडेंड एक ही बार में नहीं मिलेगा, टाटा स्टील कंपनी साल में 2-3 बार डिविडेंड देती है, तो अलग अलग करके मिलेगा। और तीसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो स्टॉक स्प्लिट को लेकर है। इस बार टाटा स्टील अपने स्टॉक को स्प्लिट करने जा रही है, यानी कि शेयर का विभाजन होगा। और ये अपडेट जो है स्टॉक स्प्लिट को लेकर, ये सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा है। अब समझिए, स्टॉक स्प्लिट किस रेशियो में होगा, ये तो जब बता देगी कंपनी 3 मई को, उस दिन पता चलेगा। लेकिन अभी इसका फेस वैल्यू है 10 रुपया। मानकर चलिए कि अगर स्टॉक का स्प्लिट 1:2 के रेशियो में होता है, तब इसका फेस वैल्यू हो जाएगा 5 रुपया। और अगर स्टॉक का स्प्लिट 1:5 के रेशियो में होता है, तब फेस वैल्यू हो जाएगा 2 रुपया। यानी कि शेयर का जो विभाजन होगा, इसी के हिसाब से होगा। 1:2 के रेशियो में होगा तो शेयर प्राइस आधा हो जाएगा, और 1:5 के रेशियो में अगर स्प्लिट होता है तब शेयर प्राइस 1/5 हो जाएगा। तो जो भी होगा, इसके बारे में जब अपडेट निकल के सामने आएगा तो मैं बता दूंगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि कंपनी या कोई भी कंपनी शेयर को स्प्लिट करती ही क्यों, आखिर स्टॉक स्प्लिट किया क्यों जाता है। तो सबसे पहले यही होता है कि प्राइस काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, इसके चलते लोग, बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उसके चलते शेयर प्राइस को, शेयर को स्प्लिट किया जाता है। और अगर स्प्लिट नहीं भी किया जाए तो शेयर प्राइस अधिक होने से क्या होता है, शेयर प्राइस एक कंसोलिडेटेड रेंज में चला जाता है, उसमें मोमेंटम खत्म हो जाता है। काफ़ी दिनों से देखेंगे तो इस कंपनी का शेयर प्राइस 1200-1300 के रेंज में घूम रहा है हाई लगाने के बाद से। तो यही कारण है कि इसको स्टॉक स्प्लिट किया जाता है किसी भी कंपनी का, जब काफ़ी बढ़ जाता है तब। अब दूसरा सवाल है कि स्टॉक स्प्लिट करने के बेनिफिट क्या क्या होते हैं। तो देखिए, अगर आप शेयर होल्डर्स हैं तो आपको तो पहला बेनिफिट ये होगा कि आपके जो पोर्टफोलियो में इस कंपनी के शेयर्स हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। क्योंकि मैंने जैसे यहाँ कहा, अगर 1:5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट होता है, तो अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो अब स्प्लिट होने के बाद 5 शेयर्स हो जाएंगे। तो पहला फायदा यह है। दूसरा यह होता है कि लिक्विडिटी बढ़ जाती है इस कंपनी में, यानी कि जैसे आप ऐसे समझिए कि जब स्टॉक स्प्लिट होगा तो शेयर का प्राइस कम हो जाएगा, और शेयर का प्राइस कम होगा तो और नए नए शेयर होल्डर्स इसमें आएंगे, नए नए बायर्स आएंगे, शेयर्स को खरीदेंगे, तो लिक्विडिटी स्वाभाविक है कि बढ़ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा अपडेट आपको पसंद आया होगा, मैं जो बताना चाह रहा था आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट में पूछिए, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जहाँ मैं सबसे समय देकर उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।